नहीं तो कांग्रेस के लिए जो पिछला 5 साल था वो एक मौका था ना कि अपने सोशल बेस को अकेले अपने दम पर खड़ा किया जाता और एक बहुत बड़ा स्पेस है कांग्रेस के लिए वहां पर। अब आप सोचिए कि जब स्वराज जैसा मंच बना करके प्रशांत किशोर अपना स्पेस क्रिएट कर रहे हैं तो अगर उसी तरीके से कोई प्लानिंग करके कांग्रेस पार्टी उस तरह से काम कर रही होती तो अपना स्पेस खड़ा कर सकती थी। वो स्पेस नहीं खड़ा कर पाई क्योंकि वहां पे जो जन नेता है उसको कांग्रेस कमान नहीं देती है। अब अखिलेश सिंह जो है वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो राज्यसभा से हैं, अखिलेश सिंह की कोई पहचान नहीं है, सिर्फ पैसे के बल पर उनकी मीडिया में थोड़ी बहुत पहचान है, अन्यथा तो मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश सिंह को कोई जानता भी है पटना के बाहर। अस्तो से दो बातें हैं, पहली बात तो देखिए अखिलेश सिंह के बारे में लालू जी ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया है कि मैंने कहा कि अखिलेश जी को राष्ट्र अध्यक्ष बिहार का अध्यक्ष बना दिया जाए, ये बार बार वो कहते हैं कई जगह पे। तो उन्होंने सोनिया गांधी से रिक्वेस्ट कहा कि भाई इनको ही बना दीजिए अध्यक्ष को, यानी कि बिहार में ऑलमोस्ट पार्टी जो है वो टूलेट पे लगा हुआ है। और ऐसा लगता है अस्तोष जी कि कांग्रेस पार्टी के साथ एक बड़ी समस्या ये हो रही है राष्ट्रीय स्तर पर भी कि वो कोई सोशल बेस नहीं क्रिएट कर पा रहा है, वो कोई नया कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट नहीं कर पा रहा है, वो कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पा रही पार्टी। अब देखिए जब राहुल जी यात्रा कर रहे थे तो कई मीडिया चैनल से मुझे पूछा कि आपको क्या लगता है, मैंने कहा इससे राहुल जी का कद तो थोड़ा बढ़ जाएगा पार्टी के अंदर, लेकिन पार्टी का अस्तित्व तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि यदि आप जिस रास्ते से यात्रा कर रहे हैं वहां यदि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी ठीक ठाक करना शुरू करते तो उसका व्यापक प्रभाव पड़ता आपके ऊपर, लेकिन कांग्रेस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने की जो प्रक्रिया है उसको लेके कोई चेतना नहीं दिखती है। और आप एक ऐसे एनिमी के सामने खड़े हैं जिसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग है, तो मुझे समझ नहीं आता है कि कांग्रेस कैसी राजनीति कर रही है इस वक्त, किस तरह से कांग्रेस सोच रही है इस वक्त अपने विरोधी को हराने का, यदि उनके पास कोई सोशल बेस नहीं। जो लीडर्स टिकट भी दे रहे हैं अस्तोष जी, मान लीजिए कि इतने दिनों से पप्पू यादव प्रयास में थे कि कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी से उनकी बात बन जाए, जाहिर है उन्होंने बीजेपी से भी कोशिश की होगी लेकिन शायद बात नहीं बनी होगी, या हो सकता है कोशिश नहीं की होगी। लेकिन अगर कांग्रेस से लंबे समय से, चूंकि उनकी पत्नी ऑलरेडी सांसद है, लंबे समय से वो हॉबनॉबिंग में थे और उनकी आज बात बन गई, तो ये लंबा चलने के लिए उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि अब हम कांग्रेस में ही जिएंगे, कांग्रेस में ही मरेंगे, कांग्रेस में ही रहेंगे, तो वैसे तो सारे नेता करते हैं इस तरह की बात जब वो ज्वाइन करते हैं तो। लेकिन कांग्रेस में जो उनकी पूरी इच्छा थी कि कांग्रेस हमको किसी प्रकार से ले ले, तो अगर इन द मिडल ऑफ द इलेक्शन कांग्रेस कोई प्लानिंग कर रही थी जिनके पास कोई फेस नहीं था, तो पप्पू यादव का, चाहे अब उस तरह से मैं नहीं कह सकता हूं कि कितना अच्छा फेस है या कितना बुरा फेस है, लेकिन पप्पू यादव का एक फेस है बिहार में, एक चर्चित नेता के रूप में उनकी पहचान है। ऐसी स्थिति में क्या लालू यादव इस बात को भांप गए कि कांग्रेस हमारे साथ खेला कर रही है, या कांग्रेस के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, पप्पू जी आए उन्होंने कहा कि ठीक है हमारे पास तो कुछ है नहीं आप आ जाइए। उस इलाके में कांग्रेस का बेस लगभग खत्म हो गया है और इसीलिए उनके पास कोई तो दूसरा तरीका नहीं था कि किसी व्यक्ति को अपने साथ वो लेते, तो उसमें पप्पू यादव उनको मिल गया आसानी से, वो ले लिया। और लालू जी को पता है कि खेला होगा इसमें, क्योंकि उस इलाके में जो फिर सीट के बारे में बातचीत होगी, केवल पप्पू यादव का पूर्णिया का सवाल नहीं होगा, तो इसीलिए लालू जी इस बारे में बहुत स्मार्ट प्लेयर हैं, उनको बिल्कुल आइडिया है कहां क्या करना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने वीवा भारती को पहले से डिक्लेयर कर दिया। और अब यदि नेगोशिएशन होगा, मुझे लगता नहीं कि लालू जी पूर्णिया वाले नेगोशिएशन में सहमत होंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि पार्टी का कोई सवाल ही नहीं, उन्होंने जब टिकट दे दिया तो कैसी सहमति, सहमति का तो कोई सवाल बन नहीं रहा। कांग्रेस में कोई ऑर्गेनाइजेशनल बेस नहीं है ना, कांग्रेस ये चाहेगी कि ठीक है हम किसी ऐसे आदमी को खड़ा करें जिसको जिता लें, तो वो हो नहीं सकता है। कांग्रेस हमेशा लोकल लीडर्स पे डिपेंड करने लगी है क्योंकि उसका अपना कोई सोशल बेस नहीं है। कांग्रेस का वोट परसेंटेज जोड़ेंगे, गोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।